सिर्फ उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, चौधरी साहब की जो आंखों में सांसू निकले ना, अब जो रोने का नंबर सरकार का आया। कलगु महापंचायत मुजफ्फरनगर में है और मुजफ्फरनगर से महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर से कूच करेंगे। बाकी जिसके जो भी वाहन है आप लगातार देख रहे होंगे पिछले डेढ़ घंटे में कितनी पब्लिक बढ़ गई। हम लोग भी एक घंटे बाद पहुंचे और लगभग 25 कॉल 25 फोन ऐसे हैं मेरठ से हो, जब हम लोगों ने यहाँ आकर लाइव चलाया भाई क्या हम आप पहुँच गए भाई, हम भी चल दिए। सब लोग चलते जा रहे हैं, सब लोग पहुँचते जा रहे हैं, इतनी पब्लिक यहाँ पे पहुँचेगी। और अब जब कोई भी किसान जाने का नाम का नहीं आ रहा, अब तक नुआ था कहने लगे भाई 3 दिन को हो जाऊँ, 4 दिन को हो जाऊँ, अब जब कोई किसान जाने का नाम का नहीं आया। रोहतक से हमारे साथ कम से कम 20 लोग आए हैं और वहाँ से ट्रैक्टर भी चल चुके हैं, अभी हम लोग गाड़ी से आए तो थोड़ा पहले पहुँच गए हैं और ट्रैक्टर भी अभी आ रहे हैं। वहाँ से 100-200 से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ से ट्रैक्टर चल चुके थे 100 से 200 तक की तादाद में ज़्यादा वो हमारे सामने ही निकले थे, हम उनको पीछे छोड़ के हम लोग गाड़ी से आए तो पहले पहुँच गए हैं। मतलब हिटलर साहित्य सरकार है, अत्याचार इतनी बुरी तरह हो रहा, हमें कुचला जा रहा, हमें दबाया जा सके पर हमें मिटाया नहीं जा सकता। इस तरह मिटा रहे मतलब जैसे बाहर देशों में हो ना, इस तरह का हमारे साथ हो रहा। शरणार्थी हैं, जैसे CAA में हुआ दंगा करा दिया, बाद में अपने पब्लिक लोग भेज दिए, आंदोलन हटा दिया, पर ये हमारा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, ये शरीफ लोगों का, ये देश का आंदोलन है। इसमें कोई पेड लोग नहीं है कि बाहर से फंडिंग आ रही है, हम अब खुद जुड़ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, बाहर जो भाई बाहर पैसे कमा रहे वो बाहर भेज पैसे भेज रहे हैं, रोटी पानी अपने सरदार भाइयों ने लगा रखी है, हमारा क्या लगा है? अपने मुजफ्फरनगर से आगे डीजल लगा दिया, क्या फर्क पड़ गया? अपनी जो है खेती बचा रहे हैं ना। कल शाम को यहाँ पे जब हम पुलिस प्रशासन से हमारे लोग बात कर रहे थे, खासकर राकेश टिकैत जी, और कानूनी प्रक्रिया की बातें हो रही थी, तो उतने ही देर में सामने में आया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा कोई विधायक अपने समर्थकों के साथ आकर किसानों को अपमानित करने की भाषा बोल रहे थे, जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का वाहक किसान और गाँव है, और किसानों को अपमानित करने की बात, यानी आप भारतीय संस्कृति को अपमानित करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विश्वास भारतीय संस्कृति में नहीं है, और ये कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जो संविधान और कानून से बड़े हो गए हैं? जब यहाँ पुलिस है, प्रशासन है, वो बात करेगा, उनकी बात सुनी जाए कि उनकी बात सुनी जाए? ये कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांटते जा रहे हैं दुनिया को कि ये कि राष्ट्रभक्त हैं, ये लोग राष्ट्रभक्ति का ये सर्टिफिकेट देंगे क्या? और 3 काले कानून सरकार को वापस लेना होगा, रिपील करना होगा, और MSP के गारंटी कानून बनाना होगा। और जो जिस तरीके से इन्होंने किसानों का अपमान किया और लोगों का अपमान किया, आज देखो ये भावनाएं हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जिस तरीके सरकार ने 26 जनवरी को अपने दीप सिंधु को भेजकर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, आज ये आंदोलन फिर उठ खड़ा हुआ है, और था ये मजबूती से था, आज फिर से जनमानस आ रहा है चारों तरफ से। जो 26 जनवरी मना कर वापस गए थे, उन्होंने सोचा कि कुछ दिन पुनः यहाँ पर वापस आ गए हैं। अब मौजूदा संख्या में देखो गाड़ियाँ, रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियाँ आती जा रही हैं, और अभी कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी।